अर्जेंटीना में एस जे शंकर ने ऐसा खेल खेला कि अच्छे अच्छे दंग रह गए। अटल मोदी से भी तेज निकले जयशंकर। तेजस ने निकाला अमेरिका, चीन फ्रांस का तेल, अब हथियार किंग होगा भारत। जी 100 देशों तक तेजस पहुंचाएगा भारत। जयशंकर ने संभाली मार्केटिंग की खुद कमान। एस जयशंकर ने बनाया ऐसा सुपर मार्केटिंग प्लान कि दुनिया को हथियार सप्लाई करने वाले देशों की धड़कनें रुक गई हैं। मोदी ने जिस मकसद से एक IFS अधिकारी को विदेश मंत्री बनाया था, वो लगता है कि कामयाब हो गए। ऐसा विदेश मंत्री पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है जो मोदी के पास है और जो भारत के पास है। ना वो नेता है, ना वो भाषण देते हैं, लेकिन नब्ज ऐसी दबाते हैं कि सामने बैठने वाला भारत का मुरीद हो जाता है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने जयशंकर का वीडियो पूरे देश को दिखाया गया। अब उनकी ताकत पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है। सवाल ये कि आखिर अब अर्जेंटीना में जयशंकर ने ऐसा क्या कर दिया कि वो भारत पर मर मिटने को तैयार हो गया। 2 दिन पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अर्जेंटीना की राष्ट्रपति अल्बर्टो की बैठक हो रही थी। उस वक्त एक ऐसी डील हुई जो आम तौर पर विदेश मंत्री नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान होती है, यानी जो काम पीएम मोदी करते हैं वही काम एस जयशंकर ने कर दिखाया। पहले एस जयशंकर ने अमेरिका पर पॉलिटिकल प्रेशर बनाया। भारत ने एक नई पॉलिसी बनाई, गिव एंड टेक, यानी आपसे हथियार लेते हैं तो आप बेचेंगे भी और आपको लेना होगा। भारत तेजस खरीदने वाले देशों की संख्या अभी दर्जनों में है, लेकिन ये संख्या आने वाले सालों में 50 देशों तक पहुंच सकती है, जिसकी मार्केटिंग खुद विदेश मंत्री कर रहे हैं। दुश्मन देश के साथ साथ भारत से तेजस खरीदने वालों में फ्रांस भी चौंकाने वाला नाम हो सकता है। मित्र देश होने की वजह से फ्रांस की तरफ से ऐसा कदम उठाया जा सकता है। अर्जेंटीना में बैठकर भी जयशंकर ने कुछ ऐसा ही किया। आज तेजस की जितनी डिमांड है उसके पीछे वैज्ञानिकों के दिमाग के साथ मोदी सरकार के मार्केटिंग पॉलिसी की तारीफ करनी चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद हर मौके पर साबित किया है। 3 साल से विदेश मंत्री बने एस जयशंकर ने भारत की कहानी बदलने में पीएम मोदी का भरपूर साथ दिया। पहले हम विदेश मंत्रियों को टीवी पर बयान देते हुए सुनते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। तेजस बनाने वाले उस गांव के एक लड़के को भी जान लीजिए जिसका आइडिया था तेजस। ये हैं डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा, जिनका आइडिया था तेजस। दुर्भाग्य है ना, ऐसे लोग जिन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए और ना ही इनका इतिहास आपको पढ़ाया दिखाया जाता है। APJ अब्दुल कलाम के साथ मिलकर तेजस लड़ाकू विमान बनाया, जो आज पूरी दुनिया में भारत की डिमांड बढ़ा रहा है। लेकिन भारत के उस लाल को हमें भूलना नहीं चाहिए। साल 2005 में रिटायर्ड हुए तो दरभंगा अपने गांव चले गए और वहीं भगवान को प्यारे हो गए। लेकिन बिहार के एक लड़के का आइडिया आज दुनिया को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है। दरअसल ये वो फाइटर प्लेन है जिसका वजन सिर्फ 6500 किलो का है। इतने कम वजन का फाइटर प्लेन कोई भी देश आसानी से नहीं बना सकता। दूसरी सबसे बड़ी खासियत इसमें लगी है इसराइल की रडार, जो एक साथ दुश्मन के 10 टारगेट को ट्रैक कर निशाना बना सकती है। तीसरी सबसे बड़ी बात ये, इसे उड़ाना यानी कि टेक ऑफ करने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ती। ये सिर्फ 660 मीटर रनवे से ही उड़ान भर सकता है। ऐसे फाइटर प्लेन दुनिया में, भारत के साथ साथ दुनिया में किसी के पास नहीं है। तभी तो एस जयशंकर ने वो कर दिखाया जो मोदी और अटल भी नहीं कर पाए थे। अब तेजस के जरिए देश का तेज बढ़ेगा और दुनिया में लहराएगा तेजस। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।